के मामले में सीबीआई की छापेमारी के बाद यूपी के चर्चित आईएएस ऑफिसर बी चंद्रकला सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली इस लेडी सिंघम ने सीबीआई की कार्रवाई के जवाब में एक कविता पोस्ट की है। क्या है इस कविता में, देखिए। बी चंद्रकला, यूपी की वो चर्चित आईएएस अफसर जो अपनी ईमानदार और कड़क छवि के लिए देश भर में मशहूर है, इसी वजह से उन्हें लेडी सिंघम भी कहा जाता है। सोशल मीडिया पर एक्टिव इस अफसर की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फेसबुक पर उनके फॉलोअर्स पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी ज्यादा हैं। लेकिन कुछ दिन पहले अवैध खनन के मामले में उन पर सीबीआई की छापेमारी की कार्रवाई से उनके इस ईमानदार छवि पर भ्रष्टाचार का बदनुमा दाग लग गया है। अब इसी कार्रवाई पर उन्होंने सोशल मीडिया में एक पोस्ट शेयर की है जो कि खूब वायरल हो रही है। इस पोस्ट में उन्होंने एक कविता लिख डाली है जिसके जरिए चंद्रकला ने शायराना अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। दरअसल चंद्रकला ने रे रंगरेज तू रंग दे मुझको ये कविता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर शेयर की है जो कि इस तरह है। रे रंगरेज तू रंग दे मुझको फलक के रंग या मुझे रंग दे जमी से, रे रंगरेज तू रंग दे कहीं से छन छन करती पायल से जो फूटी है यौवन के स्वर, लाल से रंग मेरे होंठ की कलियां नैनों को रंग जैसे चमके बिजुरिया, गाल पे हो जो चांदनी बिखरी माथे पर फैली उषा किरण, रे रंगरेज तू रंग दे मुझको यहाँ से रंग या मुझे रंग दे वहीं से, रे रंगरेज तू रंग दे कहीं से कमर को रंग जैसे छलकी गगरिया, उर उठी हो जैसे चढ़ती उमरिया अंग अंग रंग जैसे आसमान पर घन उमर उठी हो बन स्वर्ण नगरिया, रे रंगरेज तू रंग दे मुझको सांस सांस रंग सांस सांस रख तुला बनी हो ज्यू बाके बिहरिया, रे रंगरेज तू रंग दे मुझको पग रज ज्यू गोधुली बिखरी हो छन छन करती नूपुर बजी हो, फाग के आग से उठती सरगम पलक हो जैसे बावरी वीना कोपल को चूमे लटका नगीना, तपती जमी सा मन को रंग दे रोम रोम तेरी चाहूं पीना, रे रंगरेज तू रंग दे मुझको बरस बरस के चाहूं जीना। चुनावी छापा तो पड़ता रहेगा लेकिन जीवन के रंग को क्यों फीका किया जाए दोस्तों। आपको बता दें कि चंद्रकला पर आरोप है कि साल 2012 के बाद हमीरपुर जिले में 50 मोरंग के खनन के पट्टे किए गए थे, जबकि ई ट्रेडर के जरिए मोरंग के पट्टों पर स्वीकृति देने का प्रावधान था, लेकिन चंद्रकला ने सारे प्रावधानों की अनदेखी की थी। इसके बाद एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 2 साल पहले हाई कोर्ट ने बी चंद्रकला की ओर से आवंटित सभी मोरंग खनन के पट्टों को खारिज कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने उनके कार्यकाल के दौरान हुए खनन और पट्टों के आवंटन की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।